हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया बोस इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे जो है एडमिशन फॉर PhD प्रोग्राम स्प्रिंग 2021 के लिए एप्लीकेशंस को मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको जो PhD के लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हैं बोस इंस्टीट्यूट में, जो कि वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे आप जो है साइमल्टेनियसली मैक्सिमम टू पोजीशंस के लिए जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेंशन किया गया है एनेक्सर वन में। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है SOP जो है वो आपको प्रोवाइड करना होगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि आपका जो SOP है या का जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए लाइक अप्लाई करना चाहते हैं तो ईच पोजीशन का सेपरेट SOP आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है आपका PhD इंटरव्यू के लिए, तो आपको यहाँ पे अवार्ड ऑफ GRF यानी आपके पास GRF होना कंपलसरी मैंडेटरी, चाहे वो आपका CSI UGC हो, चाहे DBT हो, चाहे ICMR हो, चाहे DST इंस्पायर, DBT बिंक और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपका GRF होना जरूरी है। तो अगर आपके पास GRF है, इनमें से कोई भी GRF है, तभी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी में, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल के लिए। वहीं अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे SC ST OBC हो, तो आपको यहाँ 50% का जो है आपका वो मास्टर डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एज लिमिट 28 ईयर्स यहाँ मेंशन कर रखी है, ठीक है। और DST इंस्पायर अगर आपके पास है तो उन्हें जो है एडमिटेड प्रोविजनली उन्हें एडमिट किया एडमिटेड के लिए किया जा सकता है, क्योंकि DST इंस्पायर आपको एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको जो है अपना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो जैसे ही आपका कन्फर्मेशन हो PhD प्रोग्राम में, तो उसके पास जो है आपको अपना जो अवार्ड लेटर, जो फाइनल अवार्ड लेटर इंस्पायर फेलोशिप का जो DST नॉर्मली प्रोवाइड करती है, वो आपको जो यहाँ पे करना पड़ेगा। लाइक आपको यहाँ पे शो करना होगा कि आप वेदर आपके पास सच में DST इंस्पायर है कि नहीं। तो अब इसीलिए अगर आपके पास DST इंस्पायर तो आपका जो एडमिशन है वो प्रोविजनली होगा, उसके बाद आपको जो है इंस्पायर फेलोशिप जो है आपको DST जो कि देती है उसका आपको अवार्ड लेटर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर आपके पास गेट जेस्ट JEE बिल्स या नेट है तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आपका सिर्फ जो है आपका लाइक क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको कोई भी GRF नहीं मिलता है। तो इसके लिए अगर आपके पास गेट जेस्ट या नेट है तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 28 फरवरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है अपना सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है अपना जो रिसिप्ट आपका रहेगा उसे आप अपने पास रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर लाइक रेफरेंस के लिए। इसके अलावा आपको जो अपना एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो भी आपको जो इंटरव्यू के टाइम पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करें कि आपका इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किस बेस पे किया जाएगा, तो आपका जो 50% वेटेज रहेगा वो आपका एकेडमी रिकॉर्ड की बेस पे रहेगा, और 50% जो है आपका SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने जो सेंड किया है उसकी बेस पे रहेगा। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आपका जो डेट या टाइम इंटरव्यू को रहेगा वो आपको बोस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो बोस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके टच में हमेशा रहें, उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहें, ताकि आपको पता चल जाए कि कब जो है इसका शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो आ गया है। अगर बात करें PhD इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो आपका होगा ये ऑनलाइन होगा और जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जैसे कि आपको पता है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी से शाम 6 बजे से, और जो डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है वो 20 मार्च को है। तो इसके आसपास जो है आप वेबसाइट को चेक करते रहिए, ताकि आपको अपना अगर आपको सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट आपको किया जाता है तो आप जो है उसमें अपना नाम उस लिस्ट में आप अपना नाम जो है वो देख सके। इसके अलावा अगर हमारे टेंटेटिव डेट इंटरव्यू की, तो आपका वो रहेगा 1 अप्रैल 2021 के लिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 को जो है आपका टेंटेटिव डेट है, तो ये डेट जो है वो चेंज भी हो सकता है, वो पहले भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पे एनेक्सर, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आप मेंशन कर रखिए कि आपको यहाँ पे आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च, अगर आप वो आपको यहाँ पे मिलता है तो आप उसकी बेस पे जो यहाँ पे फैकल्टीज को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एटमॉस्फेरिक साइंस में लाइक रिसर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 फैकल्टीज का नाम है अभिजीत चटर्जी, शरद कुमार दास, और उनका जो रिसर्च एरिया वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें, तो आप इसके बेस पे जो है आप इन लाइक फैकल्टीज का नाम जो है वो दे सकते हैं, और इनके अंदर जो है आप PhD के लिए जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। सब देखिए केमिकल साइंसेज में भी ऐसी है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में भी ऐसे ही है।
इसके अलावा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लाइफ साइंसेस में देखिए यहाँ पे डिफरेंट फैकल्टीज है और उनका रिसर्च एरिया भी मेंशन कर रखा है। तो आप अगर इनमें से किसी भी रिसर्च एरिया में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, तो आप जो है इंटरव्यू के टाइम पे या अगर आपका लैब रोटेशन होता है तो उसकी बेस पे जो है आप अपना जो फैकल्टी है उसका जो है प्रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी इन्होंने कि आपको यहाँ पे जो रिसर्च एरिया है और जो ब्रॉड एरिया है रिसर्च है और फैकल्टीज के जो नेम है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।